तो चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। और साथ ही जिस तत्परता के साथ हमारे मंत्रालय के अधिकारी के देखरेख में जिला प्रशासन के लोग मिलके जो काम किए, एक रिकॉर्ड टाइम है जिसका उल्लेख आदरणीय चौबे जी ने किया कि 12 बजे वैक्सीन एयरपोर्ट पहुंचा और 2 बजे वैक्सीनेशन शुरू हुआ। तो हमारे पास पहले से उपलब्ध नहीं था वैक्सीन, जो वैक्सीन पहले से उपलब्ध है वो 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए, लेकिन 18 साल से 44 साल के लोगों की वैक्सीन आज ही 1.5 लाख आया और पूरे सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इसको रवाना कर दिया गया है और जिन जिलों में पहुंचा है वहां आज वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। और इसके लिए मैं सभी जिला प्रशासन के लोगों को बधाई देता हूं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई देता हूं और नगर प्रशासन के लोगों को भी, साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से भाई देवेंद्र यादव जी जुड़े हैं, पंकज शर्मा जी जुड़े हैं और सभी लोग इसको मिलके काम कर रहे हैं। और आज मई दिवस है, मई दिवस के अवसर पर जहां कुर्सी पार जो श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है, हीरापुर जो श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है वहां इसकी शुरुआत हुई है, तो मई दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। कोरोना से लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा और वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि आगे बढ़ के लगाने की आवश्यकता है। लेकिन ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीन की उपलब्धता अभी सीमित है, जैसे जैसे उपलब्ध होगा सबको वैक्सीन दिया जाएगा। तो मैं पुनः सबको जो इस कार्य में पुनीत कार्य में लगे हुए हैं सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। बिलासपुर कलेक्टर बिलासपुर, गुड आफ्टरनून। आ रही आ रही वो भी स्क्रीन पे है सर, आपका मार्गदर्शन और सर आपका वो लेना चाहेंगे सर। तो उसमें कलेक्टर साहब जिनको टीका लग गया उनसे बात कराइए सर। ये भैया प्रणाम, रजो आज हमको टीका लगा 18 साल से ऊपर थे, आपका योजना बहुत सुविधा है और हम लोग आगे आकर 18 दिन में फिर लगवाना चाहते हैं। ये योजना हमेशा सभी जनों के लिए उपस्थित रहे जी, सभी के लिए लगाएंगे, बहुत अच्छा सुझाव है। और पूरे प्रदेश के सभी लोगों को टीकाकरण शासन की ओर से, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मुफ्त लगाया जाएगा। भाई साहब बैठे हैं, आप अपना नाम बताएं। टीकम दास मानिकपुरी सर। अच्छा मानिकपुरी जी, कैसा लग रहा है टीका लगाने के बाद? ठीक लग रहा है सर, अभी तो दर्द तो नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। अच्छा, अभी आधा घंटा बैठना है डॉक्टर की देखरेख में, है ना? और यदि कुछ भी लगे तो डॉक्टर को बताना है ना, आधा घंटे के बाद ही घर जाएंगे। तो आप सब टीकाकरण करा रहे हैं इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और रश्मि भी यहाँ उपस्थित है विधायक जी, उनको भी बधाई देता हूँ कि वो कुछ बोलना चाहें अपने क्षेत्र की जनता को, क्योंकि विधायक ने भी अपने राशि 2 करोड़ राशि सभी विधायकों ने दिया है, तो ये जो टीकाकरण हो रहा है उसमें उनका भी बड़ा योगदान है, इसलिए विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायक जी कुछ कहना चाहें, संदेश देना चाहें तो स्वागत। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरे देश में सबसे पहले 18 वर्ष के टीकाकरण की मांग आपने ही की थी और ये आप ही की पहल थी जो आगे बढ़ी और आपने उसके लिए जो हम सबको प्रेरित किया। तो हमारे प्रदेश में 18 वर्ष के अंत्योदय को जो आज पहले दिन टीकाकरण कर रहे हैं भैया, इससे ये भी प्रमाणित हुआ कि छत्तीसगढ़ की सरकार सबसे पहले गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को सुरक्षित रखना अपनी जवाबदारी समझती है। भैया आपका बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो भी स्वास्थ्य के अमले के कर्मचारी अधिकारीगण और राजस्व विभाग और पुलिस विभाग जो काम कर रहे हैं हमसे तालमेल करके, उसके लिए मैं उन सबको भी बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी मंत्री जी कुछ कहेंगे?
माननीय ताम्रध्वज साहू जी जी, आप बिहार जिला में टीकाकरण हो रहा है। हाँ, मैं आपके निर्देश पर कल रश्मि से बात किया था जी, और कलेक्टर से भी कल बात कर लिया था जी, और उसके अनुसार कलेक्टर ने पूरी अपनी व्यवस्था कर ली थी। गाड़ी यहाँ जैसा कि आपका निर्देश था, एयरपोर्ट में गाड़ी सब आ जाए, समय पे पहुंच जाए, और शहर में, और उसमें तो शैलेश से भी रश्मि से कलेक्टर से कल बात आपके निर्देश के अनुसार कर लिया था, और व्यवस्था उन लोगों ने वहाँ अच्छी से कर ली थी। वैक्सीनेशन अच्छा सा बिलासपुर जिले में शुरू हो गया है, तो वहाँ जिला प्रशासन को भी बधाई, और सबसे ज्यादा बधाई तो मैंने शुरू में आपको दे ही दिया है कि ऐतिहासिक निर्णय है आपका, और जनता से सीधे जुड़ने का ये जो अभी क्रम आपने चालू किया बधाई देने का, ये भी अच्छा पहल है, और अंत्योदय वालों को जो आपने शुरू कराया आज मई दिवस के अवसर पर, ये भी सब ऐतिहासिक क्षण है, तो फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और बिलासपुर प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई। अभी चूंकि सभी प्रभारी मंत्री जुड़े हैं, अकबर भाई नहीं बोल पाए थे, तो सबसे पहले अकबर भाई बोलेंगे, उसे कम से सभी मंत्री एक एक मिनट अपनी बात रखेंगे। और ये भी कहना चाहूंगा कि दूरस्थ जिलों में जहां वैक्सीन देर शाम तक के रात तक पहुंचेगा, तो वहां कल शुरू होगा, तो उस समय प्रभारी मंत्री जी उसकी शुरुआत करेंगे वर्चुअली, तो उसकी भी तैयारी कर ले। तो मैं क्रमशः सभी मंत्री जी को अकबर के बाद सभी मंत्रियों से कहूंगा कि एक एक मिनट अपनी शुभकामना संदेश या कोई विचार हो तो जरूर रखें। जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सभी मंत्रीगण, और इस वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा में जुड़े हुए सभी सम्मानित साथीगण, 14 लाख राशन कार्ड धारी हैं और 42 लाख इसमें सदस्य हैं। इन सब के लिए जो 18 से 44 वर्ष के हमारे नवयुवक हैं या नौजवान साथी हैं जो भी, उनके टीकाकरण के लिए व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी और सभी विधायकगण जिन्होंने 2-2 करोड़ रुपए राशि इस काम के लिए दिया है, वो बधाई के पात्र हैं, और ये न केवल एक घोषणा हुई बल्कि ये प्रमाणित हो गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार की इच्छा शक्ति इतना अधिक है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, ये उन्होंने करके दिखाया है। भारत सरकार की तरफ से कितने भी अवरोध उत्पन्न हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार अपने हिसाब से चलेगी और अपने हिसाब से चल रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। नाम लेते जाएं ज्यादा अच्छा है ना, सब लोग एक साथ बोलना शुरू कर देंगे। डॉक्टर प्रेम साई सिंह से शुरू कर दे, सीनियर आपको माइक आ रहा है। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आपने कहा उसको करके दिखा दिया। बाकी लोग तो केवल आप इसका उत्सव काली मनाने के, टीका उत्सव मनाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां 18 प्लस के लोगों को, अंतोदय परिवार के लोगों को, जो लोग हैं उनको आपने टीकाकरण करने के लिए आगे आया है, और हम सब आपके साथ हैं। हमने कल कोटा जिले के कलेक्टर लोगों से बात किया है, और वहाँ की विधायकों से भी बात मैं किया हूँ, और वहाँ जो भी उनको प्लानिंग किए हैं कि वहाँ चूंकि तो लेट में पहुंचेगा वहाँ पर टीका, तो जैसे ही वहाँ पर शुरुआत होगा जुड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो आपको पुनः आज के इस शुभ अवसर पर पूरे तनाई को जो आप लोगों ने टीकाकरण करके और कोरोना से बचाने का जो बेड़ा उठाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अनिला भेड़िया मैडम, माइक को अनम्यूट करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके पहल से आज हमारे छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया, और आज शुरू हो गया शासन की और प्रशासन की तत्परता से
इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी, लोगों को विश्वास नहीं था, पर आपकी संवेदनशीलता आज बता दिया कि छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री इस बीमारी को लड़ने के लिए कितना तत्पर है और कितना जागरूक है। तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी भैया, और हमारे युवा साथियों को भी बधाई दूंगी जो आज आगे पहले से पहले आकर टीका लगा रहे हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी टीका लगाने के लिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस नियम का पालन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जी सबसे पहले तो बस माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद भी मैं देना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में अधिकारियों की जो आपकी टीम है उन्होंने इतने अच्छे से तत्परता के साथ काम किया। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग ने बाकी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जो तालमेल बैठा के मात्र 2 घंटे के अंदर इस तरीके से ना टीकाकरण की शुरुआत की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो इसके लिए मैं आप सभी को मैं बधाई देता हूं और निश्चित तौर पे हम सबको मिलकर जागरूकता भी अभियान चलाते हुए ताकि लोग इससे डरे ना, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं। इसका हम सबको ध्यान रखना होगा और इस चीज की भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि गरीब तबके के लिए आपने सबसे पहले सोचा, क्योंकि ये वर्ग ऐसा है जो अक्सर छूट जाया करता था, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद कि आपने जो 18 वर्ष से ऊपर के 18 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए जो एक अनुकरणीय पहल की है कि सबसे पहले घोषणा की और उसके बाद सबसे पहले यहाँ शुरुआत भी हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जिस प्रकार से आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, अन्य प्रदेशों की हालत बहुत खराब है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सिर्फ आधा मिनट आपका लेना चाहूंगा कि आज सुबह की एक घटना बताना चाहता हूं कि यूपी देवरिया से मेरा एक जो पीएसओ सीनैन, उसके पिताजी की उम्र 45 साल है और उसकी स्थिति खराब हुई। वहां हॉस्पिटल में कोई भर्ती करने को तैयार नहीं, गैस का सिलेंडर लगाने को तैयार नहीं, कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं। तो मैं सुबह 4 बजे जब मुझे उसने उठाया, तत्काल मैंने व्यवस्था करके उसको एक गाड़ी के साथ में सामान के साथ वहां भेजा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत बेहतर व्यवस्था है कि यहाँ ना कोई बेड की कमी है, ना कोई ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाई की कमी है। जिस प्रकार से पूरा अमला, पूरा चाहे स्वास्थ्य का अमला हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हमारे हो, जिस तत्परता के साथ लगे हुए हैं, जो व्यक्ति जो हमारे डेथ हो भी रही है तो वो जो किसी गंभीर बीमारी से पहले से जो लोग हैं जिनको गंभीर बीमारियां हैं, तो वो एकदम जिनकी स्थिति एकदम खराब है वो, क्योंकि इलाज के अभाव में कोई किसी प्रकार की डेथ नहीं हो रही है। बहुत बड़ा एक हमारे प्रदेश की उपलब्धि कहेंगे कि आज जो आपने ये अनुकरणीय पहल की है और हमारे कोरबा और पेंड्रा में आज ही शुरू हो जाएगा। बस्तर जिले के जो मेरे परिवार के जिले है वहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मैं इस टीकाकरण में आज छत्तीसगढ़ सरकार जनता पार्टी सरकार ने नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण का डोंग रचा था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को वैक्सीन देने में भी यहाँ के प्रतिपक्ष का नेता रोज की बीमा के बोल रहा था या सरकार ने डीला कर रहा है, सरकार ने कोई तैयारी नहीं है। आज प्रतिपक्ष के नेता को भी बधाई देता हूं कि हमारा मुख्यमंत्री कितना तैयारी रहता है, कितना काम करके दिखाया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बड़े बड़े दिल्ली में भी यहां पर कोरोना का पहला टीका नहीं लगा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का, छत्तीसगढ़ सरकार का और छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी कितना तैयारी रहता है। आज 11 बजे आने के बाद भी हम लोग जो वायदा था कि 1 मई में नरेंद्र मोदी का घोषणा था उसको पूरा करने के सफल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और सबसे पहले तो ये जो 18 साल का जो व्यक्ति को इंजेक्शन लगाना है, वो वैक्सीन लगाना है, वो पहला मांग छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री किया। हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी भी
नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा, उसी का परिणाम है आज ये वैक्सीन चालू हुआ है। और मेरा परबर जिला महासमुंद को कलेक्टर से और हमारे विधायक लोग से कल आदेश दिए थे, हमने रात को सबको फोन करके बताए, धमतरी में भी बताए, हमारे बस्तर में अपनी कल ही घोषणा किए थे कि आज नहीं होगा कल होगा, और उसका भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि ये महामारी में हमारा जितना हमारा सरकार अभी जय सिंह बोल रहा था, हम लोग सब दुनिया टीवी में देखता है हमारा राजधानी कैपिटल में दिल्ली में कितना आकार मचा हुआ है। सबसे पहले वार